बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जानवर का हाजमा खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि हम सबके लिए थी, लेकिन आज की वीडियो ईद उल अज़हा के जानवरों के लिए है कि अगर उनका हाजमा खराब हो जाए या वो बीमार हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ईद उल अज़हा करीब है और तकरीबन तमाम ही लोग अपनी जेब के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए गाय, ऊंट, दुम्बे, बकरे की कुर्बानी करते हैं। आमतौर पर जब हम कुर्बानी जानवर अपने घर पर लेकर आते हैं तो हमारी और हमारे बच्चों की यही कोशिश होती है कि हम इस जानवर को ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाएं और इसकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ें। यूं हम अपनी मोहब्बत में इस जानवर को इसकी खुराक से ज्यादा खिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कुर्बानी का ये जानवर बीमार हो जाता है, उसे लूज मोशन आते हैं, उसका हाजमा खराब हो जाता है और फिर वह खाने से मुँह मोड़ लेता है और यूँ हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो नाजरीन, आज हम आपको इस मसले का हल बताते हैं ताकि अगर आप ही आपके किसी अजीज का जानवर बीमार हो तो आप खुद इसका इलाज कर सकें। नंबर एक, अगर कुर्बानी का जानवर कुछ ना खा रहा हो और मोशन कर रहा हो तो उसको खाने में काला नमक मिलाकर खिला दें या फिर पानी में काला नमक मिलाकर उसको पिलाएं। नंबर दो, अगर जानवर को लूज मोशन आ रहे हो, उसको पुराना गुड़ जो कि काले रंग का होता है वो खिलाएं या फिर पानी में अच्छी तरह मिलाकर इसको पिला दें। नंबर तीन, अगर जानवर की तबीयत आपको ठीक नहीं लग रही और वो सुस्त हो गया हो तो आप इसके चारे में काला गुड़ और सौंफ मिक्स करके खिलाएं तो वो ठीक और चुस्त हो जाएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।